रविवार को गायत्री प्रज्ञा संस्थान पर तहसील युवा चेतना जागरण कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें तहसील क्षेत्र के लगभग 300 से अधिक युवाओं ने भागीदारी की है। युग संगीत के माध्यम से प्रातः 9 बजे कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात इंदौर से आए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता युवा राहुल सतुना ने अपनी ओजस्वी वाणी से कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि युवा आयु से नहीं बल्कि जीवन में अपनी सक्रियता से वह युवा कहलाता है। उन्होंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की युवा संकल्पना को परिभाषित करते हुए 4 महत्वपूर्ण सूत्र युवाओं को दिए। उन्होंने कहा कि युवा स्वस्थ बने ताकि राष्ट्र सबल बन सके, युवा शालीन बने ताकि राष्ट्र श्रेष्ठ बन सके, युवा स्वावलंबी बने ताकि राष्ट्र समर्थ बन सके, और चौथा महत्वपूर्ण सूत्र बताते हुए उन्होंने युवाओं से अपेक्षा की कि युवा सेवा भावी बने ताकि राष्ट्र सुखी बन सके। कसरावत शकील खान की रिपोर्ट। और कैसे इतनी साइकिल लेते थे, जिस व्यक्ति ने अपने समय के क्षण का एक क्षण का दुरुपयोग किया, एक एक क्षण का, तो उनके शिष्य हैं हम भाई। जो जिसका होता है तो उसके माता पिता से उसका एक थोड़ा बहुत मिलता ना। शेर का बच्चा, शेर छोटा होगा पहले, लेकिन शेर जैसा कान होंगे, शेर जैसे दांत होंगे, छोटा होगा पहले, होगा छोटा होगा, लेकिन शेर जैसा होगा। तो हम यदि परमेश्वर गुरुदेव के हैं तो हमारे अंदर कुछ तो दिखेगा, केवल पीले कपड़े नहीं दिखे, व्यवहार नहीं दिखे। तो बहुत जब तक आप सब ये सोच कर रखिए कि आखिर जिंदगी में हमको पाना क्या है। आदमी जब एक जगह नहीं टिकता ना, इसलिए नहीं टिकता कि उसको लगता है कि आगे कुछ और बाकी है। जब तक आगे और कुछ और बाकी है, उम्मीद आपके जीवन में है, आपके मन में है, आपको लगेगा जो मैं कर रहा हूँ वो स्थायी नहीं है। तो कम से कम अपने जीवन के लक्ष्य को एक बार कागज पर लिखकर सोचिए जरूर कि अब जीवन में क्या बचा है जो पाना है। गुरुदेव मिल गए, माताजी मिल गई, उनका स्नेह संरक्षण तप का अंश सब मिल गया, तो अब ऐसा क्या बचा है जो पाना बाकी है और हमारा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। जिस दिन आप इस काम को करेंगे, आपको आपका अंतर्मन इस बात की गवाही देगा। आसपास का परिवेश होगा। अगली बात आ रही स्वावलंबी युवा। स्वावलंबी युवा का मतलब क्या है? जो अपना काम खुद कर सके, और अपना काम खुद कर सके तो मतलब छोटे छोटे कार्यों से लेकर के अपनी नौकरी पानी तक। अभी तो क्या है कि बड़ा अलग प्रचलन चलता है ना, हम केवल नौकरी करके आ जाते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी घर में जो लोग हैं उनकी। हमने जूते भी कहीं उतार दिए, मोजे भी कहीं रख दिए, बैग कहीं रख दिया है ना, और थोड़ा पानी अगर घर से किसी ने लाने में देर की तो फिर बोलेंगे भी क्या, सब लोग सो रहे हो, पानी तो कोई पिला दो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।